तो तुम्हें क्या करना है, देखो अब इसमें ना तुम्हें ये निकालना है इन्वेस्टमेंट कैपिटल कब तुम्हें देखना पड़ेगा, फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है ये तुम्हें देखना है ना। मान लो कौन सी मैंने यूज किया, तुम्हें ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल ही निकाल रहा है, तो कैपिटल तुम्हें देखनी पड़ेगी तुमने कौन सी रखी है, फिक्स रखी है या फ्लक्चुएटिंग रखी है। तो जब तुमने फिक्स रखी हो वो फ्लक्चुएटिंग रखी हो तुमने एक चीज नोटिस की होगी, मैं बता रहा हूँ ना, फिक्स में तुमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, सॉरी कैपिटल और करंट बनाया है, फ्लक्चुएटिंग में कौन सा बनाया है कैपिटल। तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल हमेशा हर मंथ चेंज होती रहती है, मतलब चेंज होती रहेगी ना, इसमें कैपिटल कैसे होती है चेंज होती रहती है, इसका नेचर क्या है चेंज हो जाएगी। अब इस वाले फिक्स वाले में कैपिटल चेंज होती है क्या, वो चेंज तब होगी जब कोई स्पेशल केस होगा, मतलब जैसे वो पर्सनल यूज के लिए वो हमेशा के लिए विड्रॉ कर रहा होगा, तो कौन सा केस, अरे हमेशा वो सब बोल दिया, वो हमेशा के लिए विड्रॉ कर रहा होगा पैसा, परमानेंट विड्रॉ किया होगा उसने, है ना, उस केस में इंटरेस्ट ऑन रहेगी ना, लोग उसकी कैपिटल कम कर दिया तुमने। तो इस केस में क्या होता है, फिक्स में जो भी हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना वो इसमें कटते हैं, मान के वो ये मान रहा है कि स्पेशल केस में वो निकाल रहा रख रहा है, वो अगर फ्लक्चुएटिंग वाली बात होगी इस केस में क्या है, इस केस में तो हर महीने चेंज हो रही है या हर 2 महीने में चेंज हो रही है, अगर सैलरी दे रहा हो तो हर बार इंटरेस्ट के लिए हर महीने निकालो, हर 15 दिन में इंटरेस्ट निकालो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना, तो इस केस में क्या करोगे हमेशा किस पे इंटरेस्ट निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल। तो आप देखो जब क्वेश्चन कुछ भी ना बोले तो आप क्या मानते हैं कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग, तो हमेशा किस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकलेगा एट ओपनिंग, ठीक है। अगर बट पर वो बोलता है क्या कि तुम कौन सी मेथड यूज कर रहे हो, फिक्स मेथड यूज कर रहे हो, है ना, उस केस में तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो पैसा निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, और जब निकाल रहा होगा तो वो मंथ निकालना पड़ेगा, मंथ के हिसाब से तुम्हें देना पड़ेगा, है ना, तो फिर ऑन मंथ करना पड़ेगा, किस हिसाब से करना है फिर तुम्हें मंथ के हिसाब से देना, किसके हिसाब से देना है मंथ के हिसाब से। अब देखो फर्स्ट नंबर फिक्स मेथड यूज किया, देखो जब जब वो बोले कि हमने फिक्स मेथड यूज किया तुम्हें देखना पड़ेगा वो परमानेंट विड्रॉ कर रहा है या नहीं कर रहा, परमानेंट विड्रॉ किया है तो तुम क्या करोगे, तो तुम उसको हटा के फिर उस पे जैसे मान लो 2,50,000 है, 50,000 उसको परमानेंट विड्रॉ कर लिया तो 2,00,000 पे तुम इंटरेस्ट, फिर बाद में 6 महीने बाद 2,00,000 पे इंटरेस्ट निकाल निकालोगे, ठीक है ना, पर है ना, पर उसने विड्रॉ पर अरे बात नहीं करो, अरे पर उसने विड्रॉ नहीं किया, परमानेंट विड्रॉ नहीं किया तो उस केस में क्या करोगे तुम, उस है ना उसके जब तुम फ्लक्चुएटिंग यूज कर रहे हो उस केस में तुम हमेशा ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, अगर पेपर में उसने क्लोजिंग कैपिटल दे दी तो तुम्हें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है फिर तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है, पर उसने बोला कि नहीं हम फिक्स का कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर हर जब जब नई कैपिटल आ रही होगी उस कैपिटल पर निकालोगे, क्वेश्चन समझ में आ गया, लिख लोगे ये, मतलब जब वो क्वेश्चन में बोलेगा फिक्स कैपिटल जब जब नई कैपिटल आएगी तब निकालो। अब मैं इसका ना एक मेथड वो लिखवा देता हूँ, प्लस माइनस वाला कैसे तुम्हें करना है वो याद कर लेना, जो समझदार लोग हैं वो याद ही नहीं करना पड़ेगा, सब सबसे मुद्दा।